आगरा के यमुना नदी पर बने जवाहर पुल पर रविवार सुबह उस समय भगदड़ मच गई जब कार सवार युवक ने पुल से यमुना में छलांग लगा दी। युवक को यमुना में छलांग लगाते देख राहगीरों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पुलिस पहुंच गई, गोताखोरों को बुलाया गया, युवक की तलाश की जा रही है, युवक अधिवक्ता बताया जा रहा है। रविवार को यमुना नदी पर बने जवाहर पुल पर आम दिनों की तरह वाहन गुजर रहे थे। सुबह करीब 9 बजे पुल पर एक मेटालिक ग्रे कलर की टाटा की कार आकर रुकी। कार से एक युवक उतरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने कार से उतरकर पहले यमुना में नीचे देखा, वो कुछ पल के लिए खड़ा रहा। इसके बाद वो पुल की रेलिंग पर चढ़ा और उसने यमुना में छलांग लगा दी। युवक ने यमुना में जहां पर छलांग लगाई वहां पर पानी ज्यादा था। युवक के नदी में कूदने पर लोगों की भीड़ लग गई। राहगीरों ने कंट्रोल रूम पर फोन कर जानकारी दी, युवक के यमुना में कूदने पर भीड़ लग गई, लोग वाहन रोक कर वहां देख रहे हैं। इससे पुल पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। गाड़ी खड़ी करी इनने, 2 मिनट 1 सेकंड लगी होगी, खड़े हो गए तुरंत कूद गए नीचे पुल पे से। कितने बजे करीब की घटना थी? 7:20 पे। तो एक ही व्यक्ति था उसमें? एक ही व्यक्ति था। अच्छा, कैसे कपड़े पहने हुए थे? व्हाइट कलर के कपड़े थे। व्हाइट कलर के कपड़े थे। तो उसके बाद फिर कोई पता नहीं चला कहाँ? पता नहीं, मैं अपने सीधे चला गया था। फिर आपने नीचे देखा तो कुछ डूब रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे? मैं सीधे चला गया था, 2-4 लोग हल्ला मचा रहे थे वहाँ पर। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया है, गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। 7 बजे 7:15 के बीच में करीब इतना टाइम था। क्या बताया था पुलिस? मुझे बुलाया था कि एक लड़का डूब गया, विसर्जन दिया, तो मैं गया अपने गोताखोरों को साथ लेके और मैं वहाँ से तुरंत आया। तो आपने तलाश किया क्या? बहुत देर से तलाश कर रहे हैं, और भी लड़के बुलाए, देखो मिल जाएगा अंदाजा, पूरा मिल जाएगा। अभी तक नहीं, अभी तक मिला नहीं है, मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। पानी तो ज्यादा है नहीं? पानी है, 15-16 फुट पानी है। पुलिस के अनुसार युवक सिकंदरा का रहने वाला राजेश कुमार है, उसकी उम्र 38 साल है, पेशे से अधिवक्ता है। कार का नंबर UP80IS9587 है। सूचना पर युवक के परिजन मौके पर पहुंच गए। बताया गया कि युवक डिप्रेशन का शिकार था, पुलिस यमुना में उसकी तलाश कर रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।